दोस्तों इंदौर फिजिकल एकेडमी के ऑनर के साथ हम लोग खड़े हैं अभी जितेंद्र सर के साथ। जितेंद्र सर, पहले तो ये बताइए कि ये सफर जो रहा है इतना आसान तो नहीं रहा होगा। जीवन एक संघर्ष है भाई साहब, मेहनत करना पड़ता है इसके लिए। जी, इन्होंने कहा कि जीवन एक संघर्ष है और बहुत सारी चीजें यहाँ पे करीब 1000 से ज्यादा लड़के दिख रहे हैं। ये डेली इस तरह की प्रक्रियाएं चलती रहती है प्रतिदिन सर, शाम सुबह, ऐसा नहीं कि एक ही टाइम, दोनों टाइम चलते रहे। जज्बा और जुनून जो जितेंद्र सर के सानिध्य में चलती रहती है। सर, बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि वो भी इस तरह की चीजें कर सकते हैं, जैसा ये देखिए दोस्तों, ये जज्बा है जितेंद्र सर बिल्कुल जो है लोगों की तरह ट्रेनिंग देते हैं। ये देखिए आप लाइव देख रहे हैं दोस्तों, ये जो प्रशिक्षण है इनके सानिध्य में दिया जाता है, ये बिल्कुल लाइव है। सर, मुझे पता है आपके पास टाइम तो नहीं है, बस एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो गरीबों के लिए इस तरह के काम करने चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपके वीडियोस में देखा है कि बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे आप इस तरह की ट्रेनिंग और प्रशिक्षण दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे उन लोगों के लिए ताकि नए लोग भी आए, क्योंकि जो गरीब तबका है उनको इस तरह का प्रशिक्षण नहीं मिलता। सर, यहाँ पर आप देखते हैं कि हम बताते हैं हमेशा कि जो बंदा गरीब है या इतना रुपया पढ़ नहीं कर पाता तो हम उसको एकदम फ्री में ट्रेनिंग करवाते हैं। और जहाँ पर जैसे यहाँ पर गर्ल्स आती हैं तो गर्ल्स को तो फ्री करवाते, कोई चार्ज नहीं देते। अच्छा, और अभी मतलब सभी जगह भर्तियां चल रही है, मालिक की दुआ आशीर्वाद से इनकी मेहनत रंग लेकर आ रही है और सभी का रिजल्ट भी 100% जी। वो हमने देखा है कि जब भी यहाँ से भर्ती होती है बहुत सारे लड़के निकलते रहते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे दिनों से आपका चैनल फॉलो कर रहा हूँ। आप नए लोग, मैं बनारस का रहने वाला हूँ। जी, आप मुझे एक चीज और बताएं सर, नए लोगों के लिए क्या कहेंगे, वो लोग आगे आए और इस तरह के प्रशिक्षण शुरू करें जो गरीब है उनके लिए कर सकते हैं। मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि जो भी बंदा मेहनत करना चाह रहा है, मेहनत करता है तो वो जरूर सक्सेस होगा, चाहे कोई हुआ किसी फील्ड में हो। जी जी, है ना, ऐसा जरूरी नहीं कि यार जैसे ये एकेडमी देख करके यार वहाँ पर एकेडमी खुल गई तो अपन भी खोल लो। देखो, कॉपी करने से कुछ नहीं होता, इसके लिए मेहनत करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, पसीने से नहाना पड़ता है। बिल्कुल, संभव है, हर चीज संभव है, लेकिन उसके लिए समय देना पड़ेगा, धीरज धैर्य और साथ में अपनी बॉडी का 100% देना पड़ेगा। कुछ भी काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन मेहनत करना पड़ता है उसके लिए। दोस्तों, मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ये इन्होंने कहा है कि मेहनत आप करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, इस तरह का चैनल चला रहे हैं आप, बहुत बहुत। और बहुत सारे लोग यहाँ से निकलते हैं उसके, और आपने टाइम दिया सर अपने बिजी शेड्यूल से, उसके लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू, चलो जल्दी करो।